नमस्कार, जय विकास मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं जन मीडिया टीवी में। जन मीडिया टीवी में आज के खास मेहमान दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी का मैं परिचय दे दूं। दिनेश जी यूनी स्टूडियो में नेशनल मैनेजर हैं, जो कि प्रमोशंस और मार्केटिंग को देखते हैं। ये यूनी स्टूडियो जो बेसिकली आईटी कंपनी है, जो पिछले कई वर्षों से रिसर्च पे वर्कआउट कर रही थी, और इस बार ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स इंडियन यूजर्स के लिए लेके आई हैं। आइए जानते हैं दिनेश जी, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं अपने पास और कैसे वो यूजर्स तक रीच आउट करेंगे। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सर थैंक यू धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाऊं, और उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा आपका। पिछले एक साल से हम मेहनत कर रहे हैं सर कि इंडिया में मेड इन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को दिए जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों को एक रोजगार भी दिया जाए। तो जैसे कि हमने जो हमारा जो पहला प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जो हमारी कंपनी है यूनी स्टूडियो, उसका जो पहला प्लेटफॉर्म है वो है यूनी स्टूडियो फ्लिक्स। यूनी स्टूडियो फ्लिक्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम जो स्ट्रगलिंग एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर आपका प्रोड्यूसर जो लोग काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं और एक बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन ड्यू टू कोविड उनके जो प्रोजेक्ट है वो अधर में है। वो अपने प्रोजेक्ट को ना तो रिलीज कर पा रहे हैं क्योंकि अब सिनेमा हॉल तो सर सारे बंद है, तो अब सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म बसते हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म बसते हैं। तो यूनी स्टूडियो फ्लिक्स उन सभी लोगों को वेलकम करता है जिनके पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं और किसी ना किसी कारण से वो अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश नहीं कर पा रहे, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये उन सभी स्ट्रगलिंग लोगों के लिए है जो कोरोना की वजह से अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश नहीं कर पा रहे, पहला प्रोजेक्ट जी। दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है यूनिटॉक। यूनिटॉक एक लिपसिंग ऐप है, शॉर्ट वीडियो ऐप है, जिसमें कि जैसे कि आप जानते हैं कि शॉर्ट वीडियो ऐप बनाने वाले जितने भी यंगस्टर हैं वो बहुत अच्छा आन कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से जिन प्लेटफॉर्म से वो काम कर रहे थे वो अब इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है और उस तलाश को हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा कर सके सर। तो ये दो पोर्टल आपके पास जो है सो काफी मजबूती से आपने रखा कि एक तो आपका यूनी फ्लिक्स हो गया और यूनी टॉक हो गया, जिसके माध्यम से कोई भी यूजर जो है सो अपने प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, यूजर्स को, कि लास्ट ईयर कोरोना में जब कुछ प्रॉब्लम्स आए थे तो कई ऐसे एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट ने बंद कर दिए जो कि चाइनीज थे, जिसमें टिकटॉक और काफ़ी बड़े बड़े ऐप थे जो कि मार्केट में अपने आप को अच्छा इन्होंने प्रमोट किया हुआ था और लोग उसका काफ़ी यूटिलाइज कर पा रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली, या आप जैसे भी आप कहिए कि गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रेटजी रही हो, तो उसको बंद करने के बाद से एक काफ़ी बड़ा गैप आया और उस गैप को पूरा करने का जो कोशिश है वो आपको यूनिटॉक से मिल जाएगा। आप अगर यूनिटॉक यूज करेंगे तो आपको वही कमो बेस वो आपको फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे। दूसरा आपका, जैसे आपने इन्होंने बताया कि यूनिफ्लिक्स है आपका, यूनिफ्लिक्स में भी आपके पास ये काफ़ी खूबियाँ हैं जिससे कि आप इस प्लेटफॉर्म का फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं दिनेश जी और आपके जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं सर, यूनी स्टूडियो फ्लिक्स जो है वहां पर आप मूवीज तो देख पाएंगे, मूवीज देखने के साथ साथ आप अपने प्रोजेक्ट को वहां पर पब्लिश भी कर पाएंगे। अच्छा, जो थर्ड हमारा जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि अभी आपने नाम भी लिया यूनिचैट। अच्छा, यूनिचैट एक एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, मतलब कि आप वहां पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है यूनी सोशल, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब शासन और प्रशासन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनकी बात दोनों की नहीं पहुंच पाती है, तो फिर सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जो आप अपनी बात को लोगों तक या प्रशासन तक आप पहुंचा सकते। उसके बाद जो हमारा बहुत ही दिल के करीब जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, क्योंकि लोगों के जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा इस टाइम एक सैचुरेशन पॉइंट से गुजर रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का क्योंकि बिजनेस ड्यू टू कोविड और लॉकडाउन की वजह से बहुत स्टॉप हो गए हैं।
तो नेटवर्कर मीट डॉट क्लब जो हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जिसपे कि आप जाकर अगर आप अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, जहां पर आप फिजिकल मौजूद नहीं हो सकते वहां पर आप डिजिटल मौजूद हो सकते हैं। तो हमने डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो सारी की सारी एक कदम है हमारा कि उन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करें और एक अच्छा एक ऑप्शन मार्केट में हम देना चाह रहे हैं। ये देखिए, मैं यूजर्स को अपने बताना चाहूँगा कि मार्केट में काफ़ी बड़ा गैप है आज की डेट में। हालांकि कई आईटी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को अवेल करा रही हैं, लेकिन सभी के प्लेटफॉर्म जो हैं सो अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से है। जैसे कि आप जूम मीटिंग आप कहेंगे तो जूम मीटिंग के कई अच्छे वर्जन है, लेकिन वो मीटिंग से रिलेटेड तो है, नेटवर्किंग से रिलेटेड तो है, बट बाकी जो सोशल मीडिया या फिर आपके अदर जो टूल्स हैं, जैसे इन्होंने कई बास्केट एक साथ लेके, मतलब एक ही बास्केट में कई आपके प्रोडक्ट्स निकाल के दिया है, तो एक यूजर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि जब आप यूनी स्टूडियो पे आ रहे हैं तो आपने जो है सो चैटिंग भी आपने करी, सोशल भी आपने यूज किया, आपने जो है सो फ्लिक्स भी इनका यूज किया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, इनकी पोजिशनिंग आप कैसे कर रहे हैं, मतलब आप जो प्रोडक्ट का पोजिशनिंग है, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर देयर, बहुत कई प्रोडक्ट आपके पास आ गए और सब बहुत बड़ा मार्केट है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सिंगल रजिस्ट्रेशन से, एक रजिस्ट्रेशन से आप हमारे सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप यूज कर पाएंगे। राइट, आप रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ यूनी स्टूडियो पर करेंगे, यूनी स्टूडियो पर रजिस्टर्ड, आपका यूनी स्टूडियो पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके जितने भी यूनी स्टूडियो के प्लेटफॉर्म है, आपको किसी दूसरी जगह रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल रजिस्ट्रेशन आपको सब जगह मस्त। ये यूएसपी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफी आसान है, क्योंकि आपने अगर एक बार यूनी स्टूडियो पे रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यू कैन एक्सेस ऑल द प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी यूएसपी है जो मतलब दिनेश जी का। मैं इस इंटरव्यू में, खास इंटरव्यू में हमारे साथ बने हुए हैं दिनेश जी। दिनेश जी, मैं मतलब आपके पास काफी अच्छे प्रोडक्ट के रेंजेज हो गए हैं, तो इसमें जो आप मार्केटिंग की जो पोजिशनिंग करेंगे वो किस, क्या आपका आइडिया है कैसे, मतलब चूंकि आप भारत का जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड मार्केट है और जियोग्राफिकली भी काफ़ी डाइवर्स है और प्लस वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर, तो मैं मान के अमूमन चलता हूँ कि 10 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, जो परिवार है, उस पर आपका फोकस होगा और आप उसको कैसे स्ट्रेटजिकली जो है सो रीच आउट करेंगे उसमें। सर, हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हमने डिसाइड करी है या हमने बनाई है पिछले 1.5 साल से, इस पर हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा है कि हमारा जो यूजर है वही हमारा सेलर है। क्योंकि आप किसी भी चीज की सलाह आप तभी दे सकते हैं जब आप उसे यूज करते हैं, हमारा जो मानना है। हम अपने प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, जो कि हमारा एक कॉन्टेस्ट जो हमारा मार्केट में भी आने वाला है, यूनी स्टूडियो फ्लिक्स शॉर्ट वीडियो ऑडिशन, हम लोगों तक पहुंचेंगे, हम टैलेंट को ढूंढ कर लेकर आएंगे, हम स्टेट वाइज अपने ऑडिशन करेंगे, जिसमें कि शॉर्ट वीडियो मेकर, जितने भी शॉर्ट वीडियो मेकर, शॉर्ट वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उनको हम ये बताएंगे कि आप 30 सेकंड का वीडियो ना बनाकर आप 10 से 15 मिनट का एक सीरीज बनाए, अपने प्रोजेक्ट को बनाए, बनाने के बाद वो हमारे यहाँ उसको सबमिट करें, सबमिट करने के बाद हम उसे पब्लिश करेंगे यूनी स्टूडियो फ्लिक्स। ठीक है, तो उसमें कॉन्टेस्ट को चलाएंगे ऑल ओवर इंडिया, उसको हर स्टेट में, हर गांव में, जहां पर भी टैलेंट है, हम वहां उस टैलेंट को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम ये कॉन्टेस्ट चलाएंगे और लोगों तक हम पहुंचेंगे। अच्छा, अभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जितने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म या जो भी चल रहा है, वहां पर लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अपलोड कर देते हैं और वेट करते हैं कि भाई मार्केट में रिएक्शन क्या आ रहा है। ठीक बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोगों। जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल, आप आई एग्रीड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट का जो मॉड है वो डिपेंडेंट होता है कि हमने अपलोड तो कर दिया बट वो रिएक्शंस के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फीचर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी जो हैं जिसमें कि वो उन्होंने फीचर्ड अपने आप को करा रखा है, तो उनके लिए तो एडवर्टीजमेंट का मुमकिन हो जाता है, बट जो छोटे यूजर्स होते हैं वो वैसे ही मतलब दे आर जस्ट मेकिंग द होप कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। जी
राइट, वो एक वेट करते रहते हैं कि भाई हम अपनी वीडियोस अपलोड करते रहें, कभी ना कभी हमें एक सक्सेस मिलेगी। लेकिन यूनिस्टूडियो का कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर कोई भी यूजर उसको यूज करता है, डाउनलोड करने के बाद अपने आप को वहां पे एक्टिव करता है, एक्टिव करने के बाद वहां पर अपने रजिस्टर्ड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को वहां पर सबमिट करता है जी। तो जितने भी हमने प्रोजेक्ट डिजाइन करे हैं उसमें एक बहुत ही खासियत है, एक यूनिक चीज है, वो ये है कि जब कभी मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ तो मैं या तो लाइव आता हूँ या मैं अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करता हूँ, यानी कि मैं या शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ या मैं लाइव आकर लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ या अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो रिएक्शन जो होते हैं सर, वो रिएक्शन होते हैं कि या तो व्यक्ति आपको लाइक करेगा, कमेंट करेगा या शेयर कर देगा। ठीक बात है, राइट। और या फिर अगर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो रहा है तो वो आपको कोई इमोजी सेंड कर देगा, बेस्ट ऑफ लक, या आपको चॉकलेट, केक, फूल, इस तरह की गिफ्ट्स आपको इमोजीज के रूप में दे दे। लेकिन अगर कोई भी यूजर, हम लोगों से जो अलग होते हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम अलग होते हैं, वो होते हैं हमारा जो एक हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति आए, अपना प्रोजेक्ट को अपलोड करे और जो उसके रिएक्शंस हैं, लाइक उसको किसी ने बेस्ट ऑफ लक कहा, उसने कंग्रेचुलेशन, कोई इमोजी सेंड करा, तो यहाँ पे हर इमोजी की एक वैल्यू है। अच्छा। और उस इमोजी से जितने वो इमोजी इकट्ठा करते हैं वो वहां से वो पैसा आता है। अच्छा। तो जी, हम एक डिफरेंट वे में आपके अगर अच्छे लाइक्स आ रहे हैं या इमोजीज आपको मिल रहे हैं तो उस पे जो है सो यू अर्न समथिंग। राइट। ओके काफी मतलब इनोवेशंस है यहाँ पे। अगर एक यूजर है उसको वहाँ पे अगर नंबर्स ऑफ लाइक्स मिल रहे हैं, क्योंकि लाइक्स और ये सारी शेयरिंग जो है सो सोशल मीडिया के टूल्स हैं आज की डेट में, और अगर इसका फर्दर यूटिलाइज हमारे कोई भी इनका यूनी स्टूडियो फ्लिक्स को यूटिलाइज करके करता है तो उसको वहाँ पे बहुत सारे अर्निंग के चांसेस हो सकते हैं। ये पॉइंट सिस्टम जो है सो आपको यूनी स्टूडियो के वेबसाइट पे जाके अलग से मिल जाएगा। हम उसकी चर्चा फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी जरूर इसके करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सर लोगों को कि बहुत जल्द हमारा यूनी स्टूडियो फ्लिक्स शॉर्ट वीडियो ऑडिशन जो कि हमारे अभी स्टार्ट होने वाले हैं स्टेट वाइज, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें, रजिस्टर्ड करने के बाद वहां की फॉर्मेलिटीज को पूरा करें और अपने प्रोजेक्ट को बनाए और प्रोजेक्ट को बनाने के बाद वो वहां पर सबमिट करें और किसी जिस भी प्रोजेक्ट को हम फाइनल करेंगे उसको यूनी स्टूडियो फ्लिक्स पे हम लोग उसे पब्लिश करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है। ये देखिए ये जो रजिस्ट्रेशंस है, ये रजिस्ट्रेशंस अभी ओपन है सर? हाँ सर, अभी ओपन नहीं है और बहुत जल्द ये हम इसको ओपन करने वाले। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट पे मिल सकता है? हाँ सर, इसका आपको आपके लोकल न्यूज़पेपर्स, आपके जो भी डिजिटल माध्यम है, प्रिंट मीडिया है और माउथ रिकमेंडेशन है, जो भी सलाह से, जैसे ही कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई टैलेंटेड है जो बहुत अच्छा डांस करता है, कोई खाना बनाता है, कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, वो टैलेंट आपके आस पड़ोस है तो आप उसके रजिस्ट्रेशन करा के उस टैलेंट को उसकी रिकॉर्डिंग करके आप हमारे यूनी स्टूडियो फ्लिक्स के जो ऑडिशन है वहां पर उसको भेजें, उसकी वीडियोस बनाकर वहां पर अपलोड करें तो जो भी शॉर्टलिस्ट हो गए हम उसको मौका देंगे यूनी स्टूडियो फ्लिक्स में उनकी जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसको पब्लिश करें। बाकी भी आपके कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, हम चर्चा कर रहे थे लेकिन वो थोड़ा सा रह गया था, तो मैं जानना चाहूंगा कि आगे के जो फ्यूचर है यूनी स्टूडियो में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आप और अवेल करा रहे हैं हमारे यूजर्स? हम सर जैसे कि मैं आपको यूनी स्टूडियो फ्लिक्स जो कि OTT प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बता चुका हूँ। यूनिटॉक एक लिपसिंग ऐप है, शॉर्ट वीडियो ऐप है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यूनी चैट एक हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड टेक्सिंग और वीडियो ऐप है, आप वहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं और आप वहाँ पर वीडियो भी अपलोड, अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। यूनी सोशल हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और नेटवर्कर मीट हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो कि आप वहां पर रूम्स क्रिएट कर अपनी बिजनेस मीटिंग और मोटिवेशन थॉट्स और अपना जो भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मीटिंग्स होती है वो कर सकते हैं। और unistudio.shop हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्रोडक्ट बाय करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट आप सेल भी कर पाएंगे, हम आपको ये भी मौका देंगे।
अच्छा, ये नया आपने अभी इनोवेशन और ऐड किया है कि एक ई कॉमर्स पोर्टफोलियो होगा जहाँ पे आप परचेज तो कर ही सकते हैं, साथ में आप अपना प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो वो सेल भी कर सकते हैं। जी 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 सर, ठीक बस है। आपको यूनि स्टूडियो में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यूनि स्टूडियो में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहां पर एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होगा जहां पे भी आपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कराइए, उसकी कैटलॉग वहां पर भेजिए, वेरीफाई कराने के बाद उसको अपलोड करिए और वहां से आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये मतलब अपॉर्चुनिटी जो है सो ऐसा नहीं है कि केवल एक खास सेगमेंट को लेके ही है, ये हमारे व्यूवर्स को बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास, जैसे कि अगर आप राइटिंग या कुछ क्रिएटिव्स मूवीज और इन सब चीज़ों का आपको शौक है तो आप यूनी स्टूडियो फ्लिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जर्दल यूजर्स हैं तो आप मेरे ख्याल से यूनी यूनी स्टूडियो आपका जो ये आपने बताया था यूनी स्टूडियो सोशल, हमारे सर हमारे जितनी भी ऐप है वो प्ले स्टोर iOS पे है और एब्सोल्युटली फ्री है। अच्छा, आप उन्हें जाइए, आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करिए, रजिस्टर्ड करने के बाद आप उसको यूज करिए और जैसे ही आपको लगता है कि ये आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत है और आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं और आपके टैलेंट को वेलकम करते हैं। अच्छा, ये मतलब आपने अलग से एक फीडबैक का आपने अलग एक वो डिपार्टमेंट बना रखा है जिसमें कि चूंकि आप लोग रिसर्च से हैं तो वो आपने उसमें अलग से ये क्राइटेरिया दे रखा है कि व्हाट्स एवर द फीडबैक वुड कम यू पीपल विल वर्क ऑन इट। तो ये एक बड़ा ही अच्छा और बहुत ही परिष्कृत सा एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं यूनी स्टूडियो डॉट डिजिटल वालों ने, और मुझे लगता है कि ये जो पोर्टफोलियो है आपको बहुत तरीके से फ़ायदेमंद देगा, फ़ायदा देगा आपको, और फ़ायदा के साथ साथ क्या है कि अब जब आप इसका एक्सपीरियंस लेंगे तब आपको ज़्यादा ही इसमें सुटेबल लगेगा। बट जो मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ देयर कि यूएसपी जो मुझे समझ में आई वो ये है कि एक ही बास्केट है, एक बार आपने रजिस्टर्ड कर लिया तो यू कैन यूटिलाइज एनी प्रोडक्ट, तो ये सबसे बड़ी यूएसपी मुझे निकल के आती है। इसके अलावा भी कोई क्या और यूएसपी आप बताएंगे हमारे यूजर्स को? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो यूनी स्टूडियो फ्लिक्स है, यूनी स्टूडियो फ्लिक्स में आप मूवी देखते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वहां पर आते हैं वो आपको मूवी देखते हैं, लेकिन मैं देखूं कि इंडिया में करीब करीब लगभग आप हमारे जो पड़ोसी देश है लाइक नेपाल, भूटान, यहाँ पे भी बहुत टैलेंट है और हम लोग इनको भी मौका देंगे कि बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में रहते हैं लेकिन उनके उनकी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो हम उनको भी मौका देंगे और इंडिया में सारे अपने जो कॉन्टेस्ट चलाने वो पूरा करने के बाद हम लोग पड़ोसी मुल्क में भी इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जाते जाते दिनेश जी, हम एक आपसे और छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कोविड में, चूंकि आप आईटी से जुड़े हुए हैं, आईटी आईटीएस के आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो COVID-19 के सिनेरियो को देखते हुए आपका क्या मैसेज होगा? मैं कोविड में सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि पैनिक नहीं होना है और ये जो जिस तरह का ये सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह की ये कोरोना का काल चल रहा है जिसमें कि हम पिछले 2 साल से लॉकडाउन में हैं और लगभग कभी बंद है कभी निकल रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज अपनी जिंदगी में चीज बैठाल मतलब दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि दिस इज पे बैक टाइम। जो मेरे हिसाब से, जैसे सर ने आपसे पूछा तो मैं अपना थॉट ये रखना चाहूंगा कि ये पे बैक टाइम है कि प्रकृति ने जो अभी तक हमें दिया हमने उसकी कदर नहीं करी है, ये हमने सोचना है। हमें प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दिया है लेकिन हमने उसकी कदर नहीं करी है, लेकिन आज ऑक्सीजन हम लोग की वजह, ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी प्रकृति से हम खिलवाड़ ना करें और अपने परिवार से खिलवाड़ ना करें कि जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, हमें मास्क लगाना है। मैं अगर यहाँ पर बिना मास्क के अगर मैं बात कर पा रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक रूम के अंदर हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलता। आप आइसोलेट है तो आप मैं आइसोलेट हूँ, मैं आइसोलेट बिल्कुल, मैं परफेक्ट हूँ, मैं आइसोलेट हूँ, मुझे मिलना ही नहीं किसी,
मैं डिजिटल माध्यम से लोगों से मिलना चाहता हूँ, और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप मास्क लगाइए, बाहर कम निकलिए, कोशिश ये करिए कि आप लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जिनसे दूरी बनानी है वो आपके अपने ही है। किसी न किसी कारण से अगर किसी को नुकसान होता है तो हम अपना ही लॉस करते हैं। तो प्रकृति से ना खेले, सभी लोग पेड़ लगाएं, बहुत जरूरी है, और इस चीज को हमें समझना चाहिए, और पैनिक ना हो, हिम्मत रखें हम लोग। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सेल्फ क्वारंटाइन आप अपने आप को रखें, और हाथ टाइम टू टाइम धोते रहें, और सफाई का ध्यान रखें। बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जितना बड़ा हम सोचते हैं। अगर हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे तो हम अपने आस पड़ोस के पूरे परिवार को, समाज को, देश को सुरक्षित कर लेंगे। आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रोडक्ट्स और पोर्टफोलियो के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी। हमारे ये जो यूजर्स हैं वो unistudio.digital या unistudio.club पे जाके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, और इसमें रजिस्ट्रेशंस करा के और टाइम टू टाइम उसमें जो भी ऑडिशंस या फिर आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उसका इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे जाके एनी टाइम यू कैन टेक इट आउट। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर एक नए चेहरे से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जन मीडिया टीवी से विकास मिश्रा, धन्यवाद।